Hey guys, welcome back to my channel. Hope you guys are doing really well today. So guys, in today's video, I am going to explain some of the benefits of virgin coconut oil and I am going to show you कि मैं मैक्स केयर के वर्जिन कोकोनट ऑयल को कैसे अपने लाइफ में यूज़ करती हूँ. सो बेसिकली वर्जिन कोकोनट ऑयल क्या होता है. वर्जिन कोकोनट ऑयल इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोकोनट ऑयल जो विच इज़ एडिबल. आप उसे कंज्यूम भी कर सकते हो, आप उससे खाना बना सकते हो, आप उसे अपने स्किन केयर में यूज़ कर सकते हो, आप अपने बेबी केयर में यूज़ कर सकते हो. और मैक्स केयर का ये जो वर्जिन कोकोनट ऑयल है, इट इज़ प्योर अनरिफाइंड कोल्ड प्रेस्ड ऑयल है and it is extracted from fresh coconut milk. So the the cold process method ensures that all the vital nutrients and the natural goodness of fresh coconuts are retained. So inka ekdam fresh coconut milk se ye coconut oil banta hai. So you can actually see main isko kitna use kiya hua hai aur mere paas iska backup bhi hai kyunki ye badi bottle hai. This is a plastic bottle, so you can actually reuse it and you can travel with it. बट मुझे अभी थोड़े दिनों के लिए कहीं जाना था, सो आई वॉन्टेड अ स्मॉलर बॉटल. सो इसीलिए मैंने इसमें इन्वेस्ट किया. काफ़ी अफोर्डेबल है और काफ़ी प्योर फॉर्म का कोकोनट ऑयल है, ठीक है. एंड दिस वर्जिन कोकोनट ऑयल इज अ सुपर फूड रिच इन सेवरल एसेंशियल फैटी एसिड्स एंड एंटी ऑक्सीडेंट्स, मेकिंग इट वन ऑफ द फाइनेस्ट कुकिंग ऑयल्स. अपार्ट फ्रॉम कुकिंग, द ऑयल कैन ऑल्सो बी कंज्यूम इन इट्स रॉ फॉर्म एंड मिक्सड विद फूड. सो गाइज, वर्जिन कोकोनट ऑयल को इन केस यू आर इन टू फिटनेस, यू आर इन टू योगा, इफ यू वॉन्ट टू मैनेज योर वेट, आप इसे एम्प्टी स्टमक मॉर्निंग में एक स्पून ले सकते हो. क्या करेगा, आपके मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करेगा, आपको वेट, आपके वेट मैनेजमेंट में हेल्प करेगा. अगर आपको कॉन्स्टिपेशन वगैरह रहता है तो उसको थोड़ा ईज आउट करने में हेल्प करेगा. सेकेंडली, इट इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ. पूरे अंदर से आपके बॉडी को क्लीन करता है. सेकेंडली, आप इसे कुकिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो, सैलेड ड्रेसिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो. सो दिस इज कम्प्लीटली एडिबल. एंड उसके अलावा आई लव टू यूज़ कोकोनट ऑयल इन माई स्किन केयर रेजिम. आई लाइक टू हाइड्रेट माई बॉडी. इससे मेकअप रिमूव बहुत अच्छे से होता है. आई लव टू यूज़ वर्जिन कोकोनट ऑयल ऑन माई बेबी. मेरे बेबी पे, एज इन मेरे सन पे, शुरू से ही, जब से वो बॉर्न हुआ है, इज़ नाउ 2.5 ईयर्स. बट जब वो बॉर्न हुआ था तो मैंने महंगे से महंगा ऑयल लगा के उसको देख लिया था, बट उस पर सिर्फ वर्जिन कोकोनट ऑयल उसको सूट किया था. सो आई डोंट नो कैसे मैंने इतने सारे ऑयल्स वगैरह ट्राई किए, बट उसको कुछ भी सूट नहीं हो रहा था. देन फाइनली माई डॉक्टर सजेस्टेड कि आप कोकोनट ऑयल यूज़ करो, वर्जिन कोकोनट ऑयल, एंड वो डेफिनेटली सूट होगा बेबी पे. एंड मैंने उस पर वो यूज़ किया एंड टिल डेट मैं उस पर वर्जिन कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ. एंड उसको बहुत, उसके ऊपर बहुत अच्छे से वर्क करता है. उसको कोई मॉइस्चराइजर वगैरह इतनी ईजिली सूट नहीं करता, बट ये ऑयल उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है. दिस इज़ द रीज़न कि मैंने इसके एक और बॉटल को रीस्टॉक किया है, क्योंकि अभी हमें ट्रैवल करना था. एंड यू गाइज नो, जब बच्चा साथ में जा रहा होता है ना, तो वैसे ही सामान बहुत ज़्यादा हो जाता है. सो आई वॉन्टेड कि मेरे स्किन केयर का भी काम हो जाए, मेकअप रिमूवर का भी काम हो जाए, बॉडी पे भी ऑयल आप लगा सकते हो, बच्चे के लिए भी ऑयल लगा सकते हो. इट्स काइंड ऑफ लाइक मल्टीपर्पज़. सो ज़्यादा सामान लेने की ज़रूरत नहीं होती है. सो दिस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्योर कोकोनट मिल्क और ये 500 ml की बॉटल है. दिस इज़ फॉर 375 rupees, बट आप आपको ऑनलाइन ही आराम से 15-20% डिस्काउंट में मिल जाएगा. आप इनका इंस्टाग्राम का लिंक भी चेक कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन बाय इट ऑनलाइन. हर साइट पे अवेलेबल है. मैं आपको एक दो लिंक्स डाल दूंगी, आप चेक कर सकते हो, ठीक है. एंड 24 months, दिस इज बेस्ट बिफोर 24 months फ्रॉम द डेट ऑफ पैकेजिंग. सो 2 साल की इसकी शेल्फ लाइफ है, बट यू कैन सी कि मैं इसे कितना ज़्यादा यूज़ कर चुकी हूँ ऑलरेडी, क्योंकि इससे मैं अपना मेकअप रिमूव करती हूँ, बॉडी पे लगाती हूँ. देन आप इससे हेयर पैक बना सकते हो, एज इन अगर आप बालों को ऑयल करते हो तो ज़रा सा ऑयल लेके इसके अंदर एलोवेरा जेल मिक्स करके यू कैन जस्ट अप्लाई इट. आप 1-2 घंटे के लिए इसको छोड़ दें, देन जस्ट वॉश इट ऑफ. और इसकी फ्रेगनेंस भी कोई इतनी स्ट्रांग नहीं है. कुछ लोगों को मैंने देखा है, उनको कोकोनट ऑयल की ना फ्रेगनेंस से बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है. सो पर्सनली मेरी कज़न को बहुत प्रॉब्लम है. आई रिमेंबर वो कभी भी कोकोनट ऑयल नहीं लगाती थी. तो अगर आप देखोगे तो एज एन देखोगे कैसे, बट इसमें कोई इतनी ऐसी फ्रेगनेंस नहीं है कि जो आपके नाक को चुभेगी. एज एन काफ़ी जो ऑयल्स होते हैं ना कोकोनट ऑयल, उनमें बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस होती है, बट इसमें नहीं है. आपकी स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करता है. सो अगर आपको आपकी स्किन पे थोड़ा सा ग्लोई इफेक्ट चाहिए तो आप हल्का सा कोकोनट ऑयल आप लगा सकते हो फॉर दैट शाइन. आप अपनी बॉडी पे लगा सकते हो. एक और चीज़ गाइस, कभी कभी ऐसा होता है ना, हम बीच एरिया में जाते हैं. आई डोंट नो आप में से कितनों के साथ ऐसा होता होगा, बट मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि जब भी मैं बीच एरिया पे जाती हूँ, बीच मॉरिशस, बीच गोवा, कहीं भी मैं जाती हूँ,
तो मेरी स्किन जो है पहले तो डार्क होती है, टैन तो होती है, उसके बाद वो फ्लेकी होने लगती है और वो पील होने लगती है और काफी पेनफुल प्रोसेस होता है, देखने में भी अच्छा नहीं लगता। आई स्टिल रिमेम्बर मैं मॉरिशस गई थी अपने हनीमून पे फॉर 6-7 डेज एंड जब मैं वापस आई थी मेरी पूरी स्किन पील हो रही थी। थैंकफुली उस टाइम पे विंटर्स थी तो मैं पूरा कवर करके पहनती थी, दिल्ली में रहती हूँ मैं वो कम्प्लीटली कवर करके रखती थी, बट वो 15-20 डेज वर लाइक हॉरेबल। मैं जितनी बार भी देखती थी मेरी स्किन निकल रही होती थी। सो अगर आप बीच एरिया पे जा रहे हो तो डेफिनेटली कैरी अ कोकोनट ऑयल विद यू। सो सनस्क्रीन से पहले अपने ऊपर पूरा अच्छा से कोकोनट ऑयल लगाओ एंड उसके बाद टॉप इट अप विद अ सनस्क्रीन। सो आपकी वो जो स्किन पीलिंग है वो काफ़ी हद तक सब्साइड हो जाएगी, क्योंकि ये सनबर्न और सन डैमेज को भी रिवर्स करने में हेल्प करता है। सो और अगर नाइट टाइम में जब भी आप ट्रैवल करो बीच एरिया में, सो आफ्टर यू आर डन विद दैट बीच वाला एंड पूरा सन बेथिंग एंड ऑल ऑफ दैट, तो नाइट टाइम में डेफिनेटली आप कोकोनट ऑयल से अपनी पूरी स्किन को हाइड्रेट करो, डेफिनेटली आपको फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आजकल यही करती हूँ, वर्जिन कोकोनट ऑयल से अपने आप को पूरा हाइड्रेट करती हूँ एंड मैंने देखा वो पीलिंग जो है ना कम से कम 50% तक सब्साइड हो गई है, नहीं तो मेरी तो बहुत बुरी पीलिंग होती थी। एंड जब मैं वापस आती थी तो 15-20 दिन तक वो पूरी स्किन पील होती रहती थी, बहुत बुरी हालत होती थी, बट अब काफी हद तक सब्साइड हो गई है। ठीक है, सो आई वुड हाईली रिकमेंड दिस मैक्स केयर का वर्जिन कोकोनट ऑयल फॉर कुकिंग। एंड अगर आप वेट मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो तो एम्प्टी स्टमक आप रोज 1 स्पून ले सकते हो, कुकिंग में आप इसे यूज कर सकते हो, अपने बेबी के लिए यूज कर सकते हो। मेकअप रिमूवर का मैं एक छोटा सा डेमो आई बिलीव आपने देख लिया होगा, मैंने वीडियो में दिया था, अपनी बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए यूज कर सकते हो। काफी थिन कंसिस्टेंसी का है एंड इट इज अ गुड क्वालिटी एंड एन अफोर्डेबल वर्जिन कोकोनट ऑयल फ्रॉम द ब्रांड मैक्स केयर। 375 की इतनी बड़ी बॉटल है और ये छोटी वाली जो बॉटल है ये 220 रुपीज की है एंड दिस इज 250 ml। सो आई बिलीव अगर आपको कोकोनट ऑयल यूज करना है अपनी लाइफ स्टाइल में, आपको इसको कंज्यूम भी करना है, कुकिंग के लिए भी यूज करना है, तो आई वुड रिकमेंड कि आप बड़ी वाली बॉटल यूज करो एंड सही रहता है। तो इसीलिए मैंने सिर्फ ट्रैवल के पर्पज से ये छोटी वाली मंगवाई है, बाकी मैं तो बड़ी वाली आप देख सकते हो कि तरह यूज कर चुकी हूँ। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो टुडे, आई होप आपको पसंद आई होगी एंड इन केस यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू गाइज, बाय बाय।